हेलो दोस्तों, आज हम न्यू फॉर्मेट ऑफ एक्टिविटी सीट दैट इज द एसएससी पेपर पैटर्न फॉर 10th इंग्लिश कुमार भारती फर्स्ट लैंग्वेज यानी इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने जाने वाला जो इंग्लिश है उसके नए एक्टिविटी सीट का फॉर्मेट देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले यानी मार्च 2019 एंड जुलाई 2019 के लिए जब ये नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था तो यही एक्टिविटी सीट उन स्टूडेंट्स के लिए 100 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड्स द एक्टिविटी सीट विल बी ऑफ 80 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स की जगह आपको आने वाले एग्जाम यानी मार्च 2020 से लेकर जो आगे चलकर जो कुछ एग्जाम होगी उनमें 100 मार्क की जगह अब आपका एक्टिविटी सीट 80 मार्क्स होने वाला है। जब ये एक्टिविटी सीट 100 मार्क का था तभी जो टाइम ड्यूरेशन हमें मिलता था वो था 3 घंटे का, और 80 मार्क्स के एक्टिविटी सीट के लिए भी जो अभी टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है वो भी 3 घंटे का। हम सबको उत्सुकता थी कि आखिर इस नए एक्टिविटी सीट में क्या बदलाव आए हैं, क्या नयापन इसमें कुछ है। तो चलो शुरू करते हैं आज इसी बारे में इंफॉर्मेशन। आपके एक्टिविटी सीट में जो पहला सेक्शन आने वाला है दैट इज ऑन लैंग्वेज स्टडी, एंड द लैंग्वेज स्टडी इज फॉर 10 मार्क्स। प्रीवियसली व्हेन द एक्टिविटी सीट वाज ऑफ 100 मार्क्स देयर वर 20 मार्क्स फॉर लैंग्वेज स्टडी, बट नाउ देयर आर ओनली 10 मार्क्स फॉर लैंग्वेज स्टडी। अब किस नए एक्टिविटी सीट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए एंड बी आर एक्सक्लूसिवली फॉर लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में आपको वर्ड ग्रामर और सेंटेंस ग्रामर दिया जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट ए दैट इज द लैंग्वेज स्टडी इज फॉर 8 मार्क्स, एंड अगेन इन क्वेश्चन फर्स्ट बी द लैंग्वेज स्टडी इज फॉर 2 मार्क्स, टोटली द लैंग्वेज स्टडी इज फॉर 10 मार्क्स। आइए जानते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट ए में वो कौन कौन से ग्रामर के बीट्स है जो हमें करना चाहिए, और क्वेश्चन फर्स्ट बी में आने वाले ग्रामर के कौन से टॉपिक है इस पे हम डिटेल चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ए एंड बी लैंग्वेज स्टडी इन डिटेल। सेक्शन 1 जो हमारे एक्टिविटी सीट में है दैट इज फॉर लैंग्वेज स्टडी। अब ये जो लैंग्वेज स्टडी के लिए 10 मार्क्स है इनकी डिफिकल्टी लेवल क्या रहेंगी, तो 4 मार्क्स फॉर सिंपल एक्टिविटीज, यानी आउट ऑफ 10 देयर विल बी द क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स व्हिच आर वेरी सिंपल दैट एनी स्टूडेंट कैन विथ अ लिटिल नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी आंसर दीज एक्टिविटीज। 4 मार्क्स फॉर मीडियम लेवल एक्टिविटीज एंड ओनली 2 मार्क्स फॉर मोर चैलेंजिंग एक्टिविटीज। आपको कुछ बातें यहां पे ध्यान में रखना है लैंग्वेज स्टडी में। द एक्टिविटी सीट इंक्लूड्स एक्टिविटीज बेस्ड ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी, यानी क्वेश्चन फर्स्ट ए और क्वेश्चन फर्स्ट बी दैट इज ऑफ लैंग्वेज स्टडी, इस क्वेश्चन फर्स्ट ए और बी में हमें केवल ग्रामर और वोकैबुलरी पर आधारित ही एक्टिविटी आने वाली है। लेकिन एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि हमारे जो सीन या अनसीन पैसेज हम इसे कहते हैं दैट इज
the textual and non-textual passages may activity 3 and activity 4. Any seen or unseen passage, textual or non-textual passage may activity 3 and activity 4 में जो grammar और vocabulary से related question होते हैं, topics होते हैं, वो topics आपको language study में नहीं आने वाले हैं. The activities in language study are different from the activities in A3 and A4 of the textual and non-textual passages. और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की डेफिनेशन, किसी भी टॉपिक का रूल या ऐसे टर्म्स जो ग्रामर और वोकैबुलरी से रिलेटेड है, ऐसे कोई भी टर्म्स आपको डायरेक्टली एक्टिविटी सीट में आने वाले नहीं है. तो हमें पूरा फोकस डेफिनेशन, रूल्स या टर्म्स के ऊपर ना देते हुए एक्टिविटी पे पूरा ध्यान हमको देना है. लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चन फर्स्ट ए में जो एक्टिविटी 1 है, दैट इज फॉर 4 मार्क्स. आइए अब जानते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट में, फर्स्ट ए में जो ड्यूएस डायरेक्टर में 4 मार्क्स के लिए एक्टिविटीज है, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स है. आपको ये बात ध्यान में रखना है, जब आपका फाइनल एक्टिविटी सीट होगा तो उसमें आपको 5 एक्टिविटीज दिए जाएंगे एंड आउट ऑफ दोज 5 एक्टिविटीज यू हैव टू आंसर एनी 4 एक्टिविटीज. इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन फर्स्ट ए में जो सिंपल एक्टिविटीज है, दैट इज फॉर 4 मार्क्स, उसमें आपको 5 में से किसी भी 4 एक्टिविटी का आंसर देना है और हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे 1 मार्क है. आपको एक बात ध्यान में रखना है कि एग्जाम में आपको कौन सी भी 5 एक्टिविटी आने वाली है, लेकिन पढ़ाई करते समय और टीचर के लिए पढ़ाते समय ये बात पे एक बात आपको ध्यान में रखने हैं कि ये 4 मार्क्स का जो एक्टिविटी है, इसके लिए आपको लगभग 10 टाइप्स की एक्टिविटीज पढ़ने की या पढ़ाने की जरूरत है. अब ये जो 10 टाइप्स एक्टिविटीज है, उस 10 प्रकार के एक्टिविटीज से टीचर कैन चूज एनी 4 सिंपल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी एंड ग्रामर. और व्हाट इज इंपॉर्टेंट, विथ ऑप्शन. यानी पढ़ते समय या पढ़ाते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें टोटली इस 4 मार्क की तैयारी करने के लिए 10 प्रकार की अलग अलग सिंपल एक्टिविटीज करनी है और इनमें से कोई भी 5 एक्टिविटी हमें फाइनल एक्टिविटी सीट में आ सकती है और उस 5 एक्टिविटी में से हम किसी भी 4 का आंसर लिख सकते हैं. आइए जानते हैं पढ़ते समय स्टूडेंट्स के लिए और पढ़ाते समय टीचर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी वो 10 एक्टिविटीज है जिसमें से हमें विथ ऑप्शन के साथ 5 एक्टिविटीज एग्जाम में आने ही वाली है. तो उसमें से जो फर्स्ट है, राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन. हो सकता है 10 में से आपको एक क्वेश्चन, आपको कौन से भी 2 कंपाउंड वर्ड्स लिखने हैं. कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, सभी एक्टिविटीज हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे सिर्फ मैं एक्टिविटीज की लिस्ट बताने वाला हूं. सेकंड, पिक आउट एन इंफिनिटिव जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड यूज इट इन योर ओन सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में से आपको इंफिनिटिव,
जीरण या प्रेजेंट पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना है, उसे पिक आउट करना है और उसे आपके ओन सेंटेंस में आपको उपयोग करना है। इस तरह की भी एक्टिविटी आपको हो सकती है। नंबर थ्री, पंक्चुएट द फॉलोइंग। हियर यू विल बी गिवन अ सेंटेंस एंड यू हैव टू यूज द कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सच मार्क्स यू हैव टू यूज इट। जो फोर्थ एक्टिविटी यहाँ पे है, फाइंडिंग आउट द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। हियर इन एक्टिविटी सीट अ वर्ड फ्रॉम योर टेक्स्ट विल बी गिवन एंड द स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड आउट द फोर हिडन वर्ड्स। But one condition is there, that every word must be of minimum four letters. यानी आपको इस activity में एक शब्द दिया जाता है और उसी शब्द में जो spelling दिए है letters, उसी का उपयोग करके आपको उसमें से hidden words बाहर निकालने हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हर एक शब्द कम से कम चार लेटर का होना चाहिए। जो पांचवी एक्टिविटी यहाँ पे हमें पढ़नी है, दैट इज मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज। इस तरह के एक्टिविटी में हमें एक फ्रेज दिया जाता है और उस फ्रेज का हमें अपने ओन सेंटेंस में उपयोग करना है। इसके बाद देखेंगे एक्टिविटी सिक्स। लैंग्वेज स्टडी में जो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ए में है चार मार्क के लिए, उसमें जो सिक्स एक्टिविटी है दैट इज स्पॉट द एरर एंड रिराइट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें यू विल बी गिवन अ सेंटेंस एंड मोस्टली द एरर इज इन वर्ब। और इसमें एक्चुअली हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, द टॉपिक टोटली बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी इफ अ सेंटेंस हैज अ सिंगुलर सब्जेक्ट द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया है या नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का उपयोग किया है या नहीं, इस बात पर हमें ध्यान देना है। ज्यादातर यहाँ पे कौन कौन से वर्ब होते हैं जो एग्जाम में हमेशा आने वाले हैं, बी। बी का मतलब है अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो एम इज आर। वैसे एम का उपयोग कब होता है, इज का उपयोग कब होता है, आर का उपयोग कब करना चाहिए। पास्ट टेंस के लिए वाज और व, वाज का उपयोग कहाँ होता है, व का उपयोग कहाँ होता है। उसके बाद डू का हमें दो ही फॉर्म ध्यान में रखना है, डू और डज। हैव में हैव और हैज, और मेन वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उसे यस या यस सफिक्स कब लगाते हैं। और इसके अलावा स्पॉट एरर में कहां पे मिस्टेक हो सकती है, तो ज्यादातर जो मिस्टेक होती है दैट इज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। हो सकता है कि आपको टू बी का वर्ब दिया जाए और उसके साथ किस तरह का वर्ब आना चाहिए, हैव हैज हैड के बाद कौन सा वर्ब आता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, या मॉडल एक्सिलरी वर्ब का, वर्ब के बाद अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसके बाद वर्ब फॉर्म कौन सा आता है। और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा स्पॉट द एरर में पूछे जाते हैं। जो सातवीं एक्टिविटी है दैट इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या पूछते हैं, क्या हमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिखना है, या हमें असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी लिखना है। तो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपको जो सेंटेंस दिया जाता है आपको उसे लिखना है कि दिया गया सेंटेंस असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्परेटिव है या इंट्रोगेटिव है। सिर्फ आपको इतना ही वहां पे लिखना है। फिर भी आपके मन में अगर डाउट रहा, कहीं गलत तो हुआ, तो
अगर इस तरह का डाउट मन में है तो आप ब्रैकेट में उसे लिख दीजिए, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। एक्टिविटी एट में आपको कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउंस, वर्ब्स और एडजेक्टिव आने वाला है। इसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है, जैसे कि यहां पे मैंने लिया है नेचर। यू हैव टू पे अटेंशन ऑन वन थिंग, आपको एक बात पे ध्यान देना है, इफ द गिवन वर्ड इज अ नाउन द रिमेनिंग फोर वर्ड्स इन वर्ड चेन मस्ट बी नाउन्स। इफ द गिवन वर्ड इज वर्ब द रिमेनिंग फोर वर्ड्स इन अ वर्ड चेन मस्ट बी वर्ब्स, एंड इफ द गिवन वर्ड इज एडजेक्टिव द रिमेनिंग फोर वर्ड्स मस्ट बी एडजेक्टिव। देन व्हाट इज द न्यू ईयर? द न्यू ईयर इज, नया क्या है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, दिए गए शब्द का जो आखिरी लेटर है उस आखिरी लेटर से आपको नेक्स्ट वर्ड बनाना है, जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसके आखिरी वर्ड से आपको नेक्स्ट वर्ड बनाना है। जैसे कि यहाँ पे ई, तो हम ई से बनाते हैं इंग्लिश, अब इस यच से बनाते हैं हॉर्स, ई से बनाते हैं ईगल, और एक ई आ गया, इसे हम बनाते हैं एलिफेंट। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ट्राई टू अवॉइड यूज द प्रॉपर नाउन्स। द एक्टिविटी 9 इज फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। हियर यू विल बी गिवन अ वर्ब, और आपको क्या करना है, उस वर्ब का या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी उसे आईएनजी सफिक्स लगाना है, या उसका पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब करते उसे करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है इन विच द लास्ट लेटर इज डबल, यानी आपको इस तरह का ही शब्द लेना है जिसका प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल करते समय जो आखिरी लेटर होता है वो आंसर में डबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने शब्द लिया है प्लान, अगर हम प्लान का प्लानिंग करते हैं तो स्पेलिंग में जो आखिरी यन है वो दोबारा दो या ट्वाइस यहाँ पे आ जाता है, और हम इसको पास्ट पार्टिसिपल करते हुए यन यहाँ पे डबल हो जाता है। यानी आपको इस तरह का शब्द लिखना है जिसका प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल पूछा गया है, जो करते समय आखिरी लेटर डबल आना चाहिए। और आखिरी जो एक्टिविटी है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, यानी जिस तरह हमें डिक्शनरी में शब्द मिलते हैं उसी क्रम से दिए गए चार शब्द को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखने हैं। अब ये बात यह हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें इस 10 तरह की एक्टिविटीज को पढ़ना है, अगर आप टीचर हैं तो आपको इसको 10 तरह की एक्टिविटीज को पढ़ाना है, और इस 10 में से कौन सी भी 5 एक्टिविटी फाइनल एक्टिविटी शीट में आने वाली है, और उस 5 में से आपको किसी 4 का आंसर लिखना है, और हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे 1 मार्क है। मुझे लगता है क्वेश्चन फर्स्ट ए में जो 4 मार्क्स के लिए एक्टिविटी है उसके लिए इतना डिटेल काफी है। अब देखिए आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में ही जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है। अब हम मीडियम लेवल एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में पहले 4 एक्टिविटीज जो 1 मार्क के लिए थी हर एक्टिविटी, वो हमने अब तक देखा। अब उसी में क्वेश्चन फर्स्ट ए में एक्टिविटी 2 में 4 मार्क के लिए 2 मीडियम लेवल एक्टिविटीज आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पे यू विल बी गिवन 3 एक्टिविटीज, एंड आउट ऑफ दिस 3 एक्टिविटीज यू हैव टू आंसर एनी 2 एक्टिविटीज। अब यहाँ पे क्या होता है, टीचर कैन चूज एनी 2 मीडियम लेवल एक्टिविटीज विद ऑप्शन, यानी पेपर सेट करते समय ऑप्शन के साथ 3 हमें आंसर लिखने हैं 2 के। यहाँ पे टीचर कौन से भी एक्टिविटीज यहाँ पे चूज कर सकता है,
अगर टीचर को यहाँ पे कुछ एक्टिविटी चूज करनी है तो इसका मतलब है कि 3 से अधिक एक्टिविटीज हमें यहाँ पे पढ़नी होगी। अब आपको इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए टोटली 5 एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। उस 5 एक्टिविटीज में से कौन सी भी 3 एक्टिविटीज आपको एग्जाम में दी जाएगी और उस 3 एक्टिविटीज में से आपको किसी 2 एक्टिविटीज का आंसर लिखना है एंड ईच एक्टिविटी कैरीज 2 मार्क्स। तो आइए देखते हैं कि वो 5 एक्टिविटीज कौन सी है जिसे हमें फाइनल के लिए तैयारी करनी है। उसमें से पहले है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, शो डिफरेंस ऑफ होमोग्राफ एंड होमोनिम्स। आपको यहाँ पे होमोग्राफ या होमोनिम का कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसका डिफरेंस इन मीनिंग बताने के लिए आपको खुद के 2 सेंटेंस यहाँ पे बनाने हैं। अब होमोग्राफ या होमोफोन क्या होता है? होमो का मतलब होता है सिमिलर, होमो का मतलब होता है सिमिलर। होमोग्राफ यानी ऐसे 2 वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सिमिलर है, एक ही है लेकिन अलग अलग मीनिंग उसका निकलता है। जैसे कि बैट, और यहां पर भी बैट, दोनों का स्पेलिंग BAT बैट है लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बैट का एक मतलब होता है अ पीस ऑफ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, यानी हम क्रिकेट खेलने के लिए जो बैट का उपयोग करते हैं उसे भी बैट कहते हैं। या बैट अ काइंड ऑफ बर्ड दैट इज अ मैमल, जिसे हम चमकादर कहते हैं। तो बैट सिमिलर स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग, दैट इज होमोग्राफ। एंड होमोफोन, होमो का मतलब फिर से वही सिमिलर और फोन का मतलब होता है साउंड। ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका उच्चारण हमें सिमिलर लगता है लेकिन हो सकता है उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट हो और उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो। ध्यान दीजिए, ऐसा वर्ड्स जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग, एक ही होता है, एक ही प्रोनाउंसिएशन होता है, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन उसका स्पेलिंग या उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। पीस, द जनरल सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक प्लेस, इसे हम शांति कहते हैं। और पीस अ पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे हम चौक पीस कहते हैं। यहाँ पे आपको या तो होमोग्राफ का एग्जाम्पल दिया जाएगा या होमोफोन का, और उसका मीनिंग आपको डिफरेंट, मीनिंग में जो डिफरेंस है वो बताने के लिए आपको उसके अलग अलग मीनिंग के 2 सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद है आपका सेकंड, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको सिर्फ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस दे जाएंगे और उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच करना है। इसमें तीसरी एक्टिविटी है कन्वर्शन ऑफ टेंसेस। यहाँ पे आपको 2 प्रकार के एक्टिविटी पूछी जा सकती है। एक, यू विल बी गिवन अ सेंटेंस हैविंग अ पर्टिकुलर टेंस एंड यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेंस दैट इज गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा और ब्रैकेट में जो सूचना होगी उस सेंटेंस का किस टेंस में आपको रूपांतर करना है, उसके अनुसार आपको उसका आंसर लिखना है। एक, और दूसरा, हो सकता है आपको एक सेंटेंस दिया जाए और उस सेंटेंस में कौन सा टेंस का उपयोग किया है आपको वो बताना है, यानी आइडेंटिफाई द टेंस। जो 4th एक्टिविटी है दैट इज चेंजिंग ऑफ वॉइस बाय गिविंग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, यह एक्टिविटी चेंज द वॉइस की है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा हो सकता है शायद ब्रैकेट में आपको चेंज द वॉइस, चेंज इन टू एक्टिव वॉइस, चेंज इट इन टू पैसिव वॉइस, इस तरह की सूचना दी नहीं जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट
यहाँ पे टेंस का उल्लेख सॉरी यहाँ पे वाइस का उल्लेख करने की वजह हो सकता है कि रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ शब्द होंगे। अगर दिए गए वाक्य में वो शब्द सब्जेक्ट की जगह पे है या ऑब्जेक्ट की जगह पे है आपको उसकी तरफ ध्यान देना है और उससे अनुसार आपको एक्टिव सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस करना है। इसमें जो पांचवी एक्टिविटी है वो है वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर यानी किसी पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर प्रोफेशन में यूज किए जाने वाले रिलेटेड वर्ड्स। आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड से रिलेटेड आपको एट वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लो कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर एक वर्ड दिया और आपको कहा जाता है कि उसका वर्ड रजिस्टर लिखिए 8 वर्ड्स में। जैसे आप कंप्यूटर ये वर्ड सुनते हैं तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से शब्द आपके सामने आते हैं या माइंड में आते हैं। हो सकता है सीपीओ, प्रोसेसर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, यूएसबी, हार्ड डिस्क। तो ये सब जो वर्ड्स है रैम, ये कंप्यूटर इस वर्ड से जुड़े हुए रिलेटेड वर्ड है, इसे कहते हैं रजिस्टर। आपको कौन से भी 8 शब्द इसमें लिखने हैं। मैंने पहले कहा था कि इसमें केवल 5 एक्टिविटी है, लेकिन जो मॉडल पेपर उन्होंने निकाला है, मॉडल पेपर में उन्होंने आइडेंटिफाई द क्लॉज भी दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको आइडेंटिफाई क्लॉज का क्वेश्चन भी इसी मीडियम लेवल में करना है। आपको क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और एडवर्ब क्लॉज की भी इसमें पढ़ाई करनी है। लैंग्वेज स्टडी में जो आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन फर्स्ट बी, जिसे हम हायर लेवल क्वेश्चन या चैलेंजिंग एक्टिविटीज कहते हैं, वो आपको 2 मार्क्स के लिए है विद एन ऑप्शन, यानी यू विल बी गिवन 2 ग्रामेटिकल एक्टिविटीज। आपको यहाँ पे 2 एक्टिविटीज दी जाएगी और दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। टीचर कैन चूज एनी वन चैलेंजिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग वीक ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे जो 2 एक्टिविटीज आने वाली है उसमें से कौन सी एक एक्टिविटी करनी है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज है जिसे हमें पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे 5 प्रकार की एक्टिविटीज है, जिनमें से कोई भी 2 एक्टिविटीज आपको फाइनल में आ सकती, फाइनल एग्जाम में आ सकती है, और उन दोनों में से आपको किसी एक का आंसर लिखना है। तो तैयारी करते समय या शिक्षकों के लिए पढ़ाते समय हमें यहाँ पे 5 प्रकार की एक्टिविटीज को पढ़ाना है, इस बात पे हमें ध्यान देना है। पहली एक्टिविटी है Use of the same word, use the same given word as a noun as well as verb. इसका मतलब ये होता है कि हमें एक्टिविटी सीक में एक वर्ड दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है विन या वाइन, वॉटर और प्लांट। मान लो आपको एग्जाम में वॉटर ये शब्द दिया जाता है, प्लांट यह शब्द दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, वाटर इस शब्द पे आधारित आपको 2 अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन कंडीशन है एक सेंटेंस में आपको वाटर इस शब्द को एज अ नाउन यूज करना है और दूसरे वाक्य में आपको उसी वाटर शब्द को एज अ वर्ब उपयोग करना है। यानी हो सकता है कि आपको एग्जाम में एक शब्द दिया जाए और उसी शब्द को 2 अलग अलग सेंटेंस में, जिसमें से एक में आपको एज अ नाउन और दूसरे में एज अ वर्ब उसका उपयोग करना है। दूसरी एक्टिविटी चेंज द डिग्री। डिग्री में पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। हो सकता है आपको एग्जाम में
पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों में से किसी एक डिग्री का एग्जांपल दिया जाए और रिमेनिंग दो यानी जिसके दो हो सकते हैं उसी के आपको पॉजिटिव दिया तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी होगी, कंपैरेटिव दिया तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी होगी और सुपरलेटिव दिया तो कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री आपको उसकी लिखनी होगी। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी है अंडरलाइन द मोडल एक्सिलरी। क्या होते हैं मोडल एक्सिलरी? शाल, शू, व्हील, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, दीज आर कॉल्ड एज द मोडल एक्सिलरी वर्ब्स। आपको एग्जाम में सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें से जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है उस मोडल एक्सिलरी उस वाक्य में हो सकती है। आपको सिर्फ मोडल एक्सिलरी आइडेंटिफाई करना है, उसे अंडरलाइन करना है और उसका फंक्शन वो एडवाइस देती है, सजेशन दिखाता है, एबिलिटी, सर्टेंटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, परमिशन, फॉर्मल परमिशन, आखिर क्या दिखाता है ये आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि आपको एक सेंटेंस हैविंग अ पर्टिकुलर मॉडल एक्सिलरी दिया जा सकता है और ब्रैकेट में आपको सजेशन होता है या सूचना होती है रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग अनादर मॉडल एक्सिलरी, यानी दिए गए सेंटेंस में ऑलरेडी मॉडल एक्सिलरी है, आपको दूसरी मॉडल एक्सिलरी एक्सप्रेसिंग और शोइंग ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, एबिलिटी, प्रॉमिस या क्या दिखाने वाला ऑब्जेक्ट, सॉरी मॉडल एक्सिलरी आपको उपयोग करने के लिए कह सकते हैं। फोर्थ एक्टिविटी है एनालाइज द सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको सिंपल सेंटेंस दिया जाता है तो सिंपल सेंटेंस का तो आपको कंपाउंड करना है या कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड सेंटेंस दिया जाता है तो आपको उसका सिंपल करना है या कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया जाता है तो आपको उसका करना है सिंपल या कंपाउंड। और आखिरी में जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा कि एक ही वर्ड को एज अ नाउन और एज अ वर्ब अलग अलग दो वाक्यों में उसका उपयोग करना। अगर आपको एग्जाम में ये एक्टिविटी नहीं आती तो ये लास्ट वाली एक्टिविटी आपको आ सकती है जिसमें यूज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे आपको दो अलग अलग वर्ड्स दिए जाएंगे और दोनों वर्ड्स को आपको एक ही सेंटेंस में उपयोग करना है। क्या फर्क है देखिए, पहले एक्टिविटी में एक ही शब्द दिया जाएगा उसे एज अ नाउन एक सेंटेंस में, एज अ वर्ब अलग सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में उपयोग करना है। पांचवी एक्टिविटी में आपको दो अलग अलग शब्द दिए जाएंगे, दोनों शब्दों को आपको एक ही सेंटेंस में उपयोग करना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका लैंग्वेज स्टडी का। वैसे तो टॉपिक स्टार्ट किया तब लगा था बहुत इजी होगा, ये आसान रहेगा, लेकिन जब हम इसे डिटेल में देखते हैं तो पता चलता है कि केवल हमें कम एक्टिविटीज नहीं करना है, हर एक लिए ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको पढ़ना बहुत है, उसमें से कुछ एक्टिविटीज आपको आने वाली है, कुछ एक्टिविटीज आपको नहीं आने वाली।